दोस्तों, वंशिका आलजा बिंदी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक और रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। ये रिक्वायरमेंट टापू कारा अलवर राजस्थान में निकला हुआ है। जो दोस्त होंडा कार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करना चाहते हैं टापू कारा अलवर राजस्थान में, वो जॉब कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। दोस्तों, पहले तो कंपनी का नाम बता देते हैं, होंडा कार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है। दोस्तों, जेंडर में ओनली मेल कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। एज लिमिट कैंडिडेट का उम्र 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आईटीआई पास आउट होना चाहिए। दोस्तों, या आप 10वीं किए हैं या 12वीं किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन दोस्तों उसके साथ आईटीआई पास आउट होना चाहिए। दोस्तों, आईटीआई में कौन सा ट्रेड है उसका नाम आप लोग को बता देते हैं, वो ही ट्रेड होना चाहिए। दोस्तों, ट्रेड में दोस्तों जैसे फिटर हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया, टूल डाई मेकर हो गया, डीजल मैकेनिकल हो गया, मोटर मैकेनिकल हो गया, पेंटर जनरल हो गया, ऑटोमोबाइल ट्रेड होना चाहिए। दोस्तों दोस्तों 10वीं में 50% मार्क्स होना चाहिए। दोस्तों, यानी दोस्तों आप लोग को 10वीं में मैक्स मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए और दोस्तों आईटीआई में 60% मार्क्स होना चाहिए। दोस्तों दोस्तों जॉब प्रोफाइल आप लोग को बता देते हैं। जॉब किस में करना है तो ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिस में जॉब करना है। दोस्तों, यानी दोस्तों कंपनी में आप लोग को जॉब भी करना है और जो दोस्त अप्रेंटिस करना चाहते हैं अप्रेंटिस भी कर सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी में फ्रेशर कैंडिडेट भी जॉब कर सकता है। दोस्तों, फ्रेशर मतलब होता है जो कैंडिडेट आईटीआई पास है, अभी कहीं पर भी जॉब नहीं किया है, वो भी इस कंपनी में जॉब कर सकता है। दोस्तों, फैसिलिटी बता देते हैं, कंपनी क्या फैसिलिटी दे रही है। तो कैंटीन, यूनिफॉर्म, पीएफ, ईएसआई, दिवाली बोनस, मेडिकल बोनस भी कंपनी दे रही है। दोस्तों, तो कंपनी बहुत अच्छी है। दोस्तों सैलरी आप लोग को बता देते हैं, सैलरी क्या दे रहा है कंपनी। तो सैलरी जो दे रहा है दोस्तों, इन एंड यानी जो जॉब करेगा, इन एंड सैलरी जो है दोस्तों 20,500 रुपया पर मंथ आप लोग को मिलेगा। दोस्तों, जो कैंडिडेट अप्रेंटिस करना चाहता है उसका सैलरी इन हैंड दोस्तों 13,500 रुपया मिलेगा। दोस्तों, आप बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के समय डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है। तो दोस्तों, पहले तो आप लोग रिज्यूम ले लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट का डिटेल, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और दोस्तों वैक्सीन सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट का डिटेल भी ले लीजिएगा। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो क्वालिफिकेशन आप लोग किए हैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, उसका ओरिजिनल मार्कशीट ले लीजिएगा और आईटीआई का ओरिजिनल मार्कशीट आप लोग को इंटरव्यू के समय साथ में लेकर जाना है। दोस्तों इस कंपनी में कैसे ज्वाइन होना है ये भी आप लोग को बता देते हैं। दोस्तों, इस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो होंडा कार जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, उसका रजिस्ट्रेशन फार्म ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जैसे आप लोग फार्म फिलिप करोगे ना दोस्तों, तो उसके बाद 10 दिन या 9 दिन के बाद आप 9 दिन या 10 दिन के बाद दोस्तों आप लोग को कॉल करके बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं कि फार्म कैसे फिलिप करना है, ठीक ना दोस्तों। फार्म फिलिप करने के बाद दोस्तों आप लोग का कॉल आएगा। तो दोस्तों, फार्म आप लोग को बता देते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो होंडा कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन फार्म है दोस्तों ओपन हो जाएगा। उसमें पहले अपना नाम फिलिप करेंगे, उसके बाद दोस्तों फादर नेम यानी पिताजी का नाम फिलिप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि क्या है दोस्तों वो आप लोग फिलिप करेंगे, उसके बाद दोस्तों अपना पर्सनल मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में लिंक है, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर लिंक ऐड कर फिलिप कर दीजिएगा, उसके बाद दोस्तों एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं, एड्रेस अपना फुल एड्रेस फिलिप कर दीजिएगा, उसके बाद दोस्तों आप लोग को ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, आप
किस डिस्ट्रिक्ट यानी किस जिले से बिलोंग करते हैं दोस्तों, वो आप लोग फिलिप कर दीजिएगा। स्टेट या किस स्टेट यानी किस राज्य के रहने वाले हैं, जैसे यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, साउथ हो गया, जो भी आप लोग का स्टेट होगा, असम होगा, जो भी स्टेट होगा दोस्तों, आप लोग अपना स्टेट फिलिप कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन मिलेगा ट्रेड, ट्रेड आईटीआई में कौन सा ट्रेड आप लोग पास हो, कौन सा ट्रेड आईटीआई से किए हो, वो आप लोग फ्लिप कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आप लोग को मिलेगा आईटीआई पास आउट ईयर, यानी कौन से वर्ष में आप लोग आईटीआई पास हो दोस्तों, तो वो वर्ष आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को ऑप्शन मिलेगा हाउ मैनी मंथ ऑफ एक्सपीरियंस, यानी दोस्तों कितने महीने का अनुभव है दोस्तों, वो आप लोग फ्लिप कर दीजिएगा। अगर आपका अनुभव होगा तो जितने मंथ का होगा दोस्तों आप लोग फ्लिप कर दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी जॉब कर सकता है, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड, यानी दोस्तों आप लोग जो आधार कार्ड नंबर होगा वो फ्लिप कर दीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ईवेन नंबर अपना फ्लिप कर दीजिएगा, जहाँ भी आप लोग काम किए होंगे ईवेन नंबर मिला होगा। पहले जो शुरुआती है दोस्तों 10 से वो शुरू होता है, उसको यूनिवर्सल नंबर भी बोलते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो ईवेन नंबर फ्लिप कर दीजिएगा, उसके बाद नीचे आइएगा दोस्तों, सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सबमिट पर जैसे आप लोग क्लिक कर देंगे ना दोस्तों, तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन फार्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 9 या 10 दिन के बाद कॉल आएगा दोस्तों, कॉल आने के बाद आप लोग इंटरव्यू देने जाइएगा, ठीक ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कोई रिक्वायरमेंट आता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।